हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज दिव्य धारा पतंजलि। आज मैं इस वीडियो में आपको दिव्य धारा के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। बगल में ही बेल आइकन है, उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो लेट्स मूव टू द वीडियो दैट इज कॉल्ड दिव्य धारा। तो सबसे पहले मैं दिव्य धारा की पैकिंग आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दिव्य धारा की पैकिंग कुछ इस तरह के छोटे से, ये आप देख सकते हैं कि ये छोटे से पैकिंग में ये आती है दिव्य धारा, और ये पतंजलि कंपनी द्वारा बनाई गई है। दिव्य धारा जो है ये बहुत अच्छी एक मेडिसिन है, जो कि बहुत मल्टीपर्पज में ये यूज होती है। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है, लेकिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ये। तो आइए चेक करते हैं कि इसके कौन से इंग्रेडिएंट्स है। तो सबसे पहला जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है पिपरमेंट, दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है कपूर भीम सेनी सत, और तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है अजवाइन सत। इन तीनों चीजों के मिश्रण से इसे तैयार किया गया है, और ये जो है एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आइए जानते हैं कि कौन से डिजीज में ये आपको राहत दिला सकती है, या तो इसके बेनिफिट्स क्या है। तो अगर बेनिफिट्स की हम बात करें तो सर में दर्द हो रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा, अगर आपके सर में दर्द है तो आप इसे लगा सकते हैं। अगर सीजन चेंजिंग में जो सर्दी जुकाम हो जाती है, अक्सर लोग जैसे मौसम बदलता है तो लोगों को सर्दी जुकाम हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, कफ की दिक्कत होती है, इन सारे परेशानियों में ये दिव्य धारा जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ये काम करती है। और एक बात सबसे अच्छी है, ये जो है एक रोल ऑन है, यानी कि अगर हम इसे खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो इस तरह से ये जो है, देखिए आप देख सकते हैं, ये एक रोल ऑन है। आप इसे बहुत इजीली किसी भी जगह पे जो है यूज कर सकते हैं। आगे मैं और बताऊंगी, ये रोल ऑन होने की वजह से इसे कैरी करना और यूज करना बहुत आसान हो जाता है। आप इसे अपने नाक में, अगर आपकी नाक जो है बंद है तो आप अपने बंद नाक में इसे रोल ऑन भी लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको सर्दी जुकाम हुई है तो आप इसे अपने नाक के थ्रू, नेजल्स के थ्रू आप इसे सूंघ सकते हैं, इसके जो स्मेल को है आप ले सकते हैं, उससे भी जो है आपको काफी फायदा होगा। और जो है सर्दी जुकाम में भी अगर आप इसे इनहेल करते रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। और जो लोग इनहेल न कर पाए, जिन लोगों को अगर नाक से लेने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए एक और उपाय है। आप जो है थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर कर ले, यानी कि थोड़ा सा गर्म पानी कर ले, और उसमें 8 to 10 ड्रॉप्स डालकर आप भाप भी ले सकते हैं। उसमें भी जो है आपकी खांसी, सर्दी जुकाम, नाक बंद, जो भी इस तरह की कफ एंड कोल्ड की जो भी प्रॉब्लम्स है, वो जो है काफी आपको राहत मिलेगी अगर आप भाप लेंगे तो भी। और भाप लेते वक्त आप क्या करें, चेहरा किसी टॉवल से आप ढक ले, गर्म पानी में 8 से 10 बूंद इस दिव्य धारा को डाल ले और आप अच्छे से भाप ले। और ऐसा अगर आप 3 से 4 मिनट करते हैं और दिन भर में 2 बार करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ जो है फील होगा। और अगर आपको विंटर सीजन में बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके यूज से जो है आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक रहेगी। गले में अगर आपको अक्सर खराश हो जाती है, बहुत लोगों का गला जो है कुछ दिनों बाद ही जो है खराश होने लगती है और साफ नहीं होती है, उसमें भी ये जो है दिव्य धारा बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर आपकी गले में खराश है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे अपने चेस्ट में भी लगा सकते हैं, यानी कि जब बहुत ज्यादा हमें सर्दी जुकाम हो जाती है तो इसे आप अपने चेस्ट में भी, रोल ऑन है तो आप आराम से इजीली यूज कर सकते हैं। या तो आपके फुल बॉडी में कहीं भी अगर आपको पेन है, दर्द है, आप उस जगह भी इसे जो है रोल ऑन करके लगा सकते हैं। मोच, अगर आपको कहीं भी मोच आ गई है या आपके फुल बॉडी में कहीं मोच हो, तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें भी जो है ये आपको बहुत ज्यादा राहत दिलाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बहुत कम इंग्रेडिएंट से और बहुत केमिकल फ्री तरीके से इसे बनाया गया है, तो जिसकी वजह से ये आपके बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालती है, और बाकी जो भी रोलॉन्स है उनसे ये ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत जल्द वर्क करती है, और वो भी विदाउट साइड इफेक्ट। तो इसके कुछ प्रिकॉशन है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो आइए जानते हैं इसमें कौन से प्रिकॉशंस है। तो इसका एक ही प्रिकॉशन है, इसे सिर्फ आप एक्सटर्नल यूज में लाएं, इसे जो है कोई भी प्रकार की इंटरनल यूज में इसे ना लाएं, इसे सिर्फ बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स में ही यूज करें तो ही ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इंटरनल पार्ट्स के लिए इसे नहीं बनाया गया है।
तो आइए चेक करते हैं इसकी प्राइस क्या है। इसके आज की डेट की जो प्राइस है वो है 45 रुपीज, यानी कि 45 रुपए इसकी प्राइस है। और ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगी, क्योंकि एक बहुत फेमस मेडिसिन है, और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो आप कहीं से भी इसे परचेज करके आज से इसके बेनिफिट को ले सकते हैं। होप मेरा आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन के रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी। तुम्हारे साथ बने रहें एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।